हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस। अपने चैनल में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं पैसिव वॉइस की सीरीज़ के अंतर्गत आपके लिए मॉडल्स और इन्फिनिटिव्स की पैसिव वॉइस लेकर के आऊँ कि किस तरह से इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो देखिए, बोर्ड पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी हो तो पैसिव बनाते समय ऑक्सिलरी के बाद हम बी लगा देते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है। जो भी ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी तुम्हारी कौन कौन सी होती है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, वुड, ऑट टू, नीड और डेयर। हाँ, ये ऑक्सिलरी होती हैं आपकी। हाँ, विल सेल भी होता है ऑक्सिलरी के अंदर, विल सेल भी आता है, विल और सेल, ये भी ऑक्सिलरी बोली जाती हैं। तो इनके बाद में हम क्या करते हैं, केवल बी लगा देते हैं। इनके बाद में क्या होता है, केवल बी लगा देते हैं। और इस पर मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया कि पहले ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट वो नियम, उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी, फिर बी प्लूरल की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई और फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही कैन ड्राइव द कार। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या है, ऑब्जेक्ट से हमने सब्जेक्ट बनाया द कार, कैन का कैन ही रहा, लेकिन इसके साथ हमने क्या लगा दिया, बी, कैन बी। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लिख रखा है, बाई, तो बाई हमने यहाँ लगा दिया। और ही को किस में चेंज कर दिया हमने, हिम में चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, द कार कैन बी ड्राइवन बाई हिम। इजी, वेरी गुड। आओ दूसरा देखिए, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि केवल बी से पहले नॉट लगा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, केवल हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, यू शुड नॉट बीट योर सर्वेंट। तो अकॉर्डिंग टू द क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट आ गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या मॉडल है, मॉडल आ गई शुड। फिर हमने बताया कि नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, बी से पहले, तो हमने नॉट लगा यहाँ पर लगा दिया। फिर बी आ गई हमारी, बी लगा दिया। बीट की थर्ड फॉर्म आ गई बिटेन, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई है, और यू को हमने किस में चेंज कर दिया, यू में। अब बात आती है किसकी, इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव हमारी जो ऑक्सिलरी, सॉरी, ये जो लिंकिंग वर्ब होती हैं और जो हैज़ होती हैं उनके आगे हम टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं। जैसे कि इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। इनके बाद में जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके कि बी कैसे लगाते हैं इनको, इरेज कर रहा हूँ मैं आपको। तो किस तरह से इनका प्रयोग करना है हमको, किस तरह से इनको हम चेंज करते हैं अभी आप देखेंगे। और देखिए बहुत ही आसान है, केवल आप इसको लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही ईजी है। जैसे कि सी इज टू बाय ए कार, हाँ, तो क्या बनेगा, ए कार इज टू बी बॉट बाय हर। कहने का मतलब यदि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको लिख करके बताऊं तो वही ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और प्लस इसके बाद में टू होता है, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले बाई और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे हमने ये बदला, और अब मान लो नेगेटिव हो जाता है, जैसे यू आर नॉट टू चीट एनी वन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
एनी वन इज नॉट टू बी चीटेड बाय यू। ठीक है, ये तो लिंकिंग वाले हो गए। अब मान लो हम इनमें से लेते हैं कोई, इनमें से भी क्या होगा, जैसे कि सी हैज टू सेल हर हाउस, क्या बनाएंगे इसको, हर हाउस, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, हैज टू बी सोल्ड बाय हर। नेगेटिव होने पर नॉट इनके बीच में। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे फॉर्मूला में लेकर के आऊँगा, कुछ ऐसे वर्ब्स होंगी जिनके साथ में कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज़ होता है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।